ट्रेलर देखने के बाद आप अपनी खुशी कैसे बयां करते हैं? मैं तो सिनेमा देख चुका हूँ, तो ट्रेलर का अंदाजा मुझे है पहले से था। बहुत अच्छा सिनेमा बना है, मैं इसलिए खुश हूँ कि ये सिनेमा एक्टरों का है। दरअसल ये सिनेमा का कॉन्सेप्ट हीरो है, उसमें कोई हीरो है नहीं। अगर कोई ये कहे कि मैं हीरो हूँ, बतासा हीरो है, अमरपाली हीरो है या अविनाश हीरो, उसके हीरो सम्भावना जी भी है, उसके जो के जी भी है उसके भी हीरो, पूरा कॉन्सेप्ट हीरो। ट्रेलर देखकर मैं खुश इसलिए हूँ कि ट्रेलर तो सिर्फ एक है, ठीक है कि भाई देख लीजिए ये हमारा ट्रेलर, देख के सिनेमा का अंदाज़ा ना लगे उसे ट्रेलर कहते हैं। अगर ट्रेलर देख करके आपको समझ में आ गया कि सिनेमा में क्या है, तो फिर ट्रेलर का कोई मतलब है। तो हमारे ट्रेलर में जो कुछ है वो सिनेमा में अलग ही है। अविनाश, मैं, अमरपाली, हमारी जो तिकड़ी है कहीं से कोई एक दूसरे से कम नहीं है, सब एक दूसरे पर भारी है। और दूसरी बात है कि जैसा कि आपने गाना देखा, संभावना जी का जो गाना है, संभावना जी ने बताया कि हमने पहला ऐसा गाना किया जिसमें किसी तरह की वल्गैरिटी नहीं थी। तो पहली बात तो हम लोग चोली घाघरा वल्गैरिटी से हमेशा दूर रहे, कोशिश रहा कि सिनेमा अच्छा बने। और मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे अविनाश भाई जैसा दोस्त और को एक्टर मिला, संभावना जी जैसी को एक्टर और दोस्त मिली। आम्रपाली ने बड़ा कमाल का काम किया है, हमारी टीम ने बड़ा कमाल का काम किया। मनोज जी, वैसे जब छोटा भाई डायरेक्टर हो, जो भी एंट्री में बनाता हो, वो पहली बार फिल्म बना रहा हो, उसके निर्देशन में आपको काम कर रहा हो, बड़ा भाई छोटे भाई के निर्देशन में काम कर रहे हैं, कहीं कभी ऐसा लगा कि नहीं आपने 200 फिल्में की है, उनकी पहली फिल्म है, तो आपको कोई बात आप उनके बेहतर तरीके से बता सकते थे, आप किस तरीके से करना चाहिए? नहीं, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपने डायरेक्टर जो कहे वही सुनना चाहिए, क्योंकि मैं उसके टैलेंट को जानता हूँ। कभी कभी चिचड़ापन होता था, लेकिन जो कहता था सही कहता था। अविनाश जी, आपने भी काफी लोगों की रात ट्रेलर देखा, आप कुछ कहना चाहते हैं ट्रेलर के बारे में, कैसा लगा ट्रेलर अपना? ट्रेलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जैसा मनोज जी ने कहा कि फिल्म में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर खुल जाए तो पूरी फिल्म खुल जाएगी, तो उसको ट्रेलर में कैसे प्लेस किया गया है और कैसे सजाया गया है वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और साथ ही हर किरदार को ट्रेलर में इम्पोर्टेंस दी हुई है, उसी से पता चलता है कि हर किरदार की अपना एक वजूद है, अपनी एक जगह है। सबसे अच्छी बात मुझे ट्रेलर में जो लगी, जो संभावना का गाना है, वो फिल्म में सिर्फ आइटम सॉन्ग होने के लिए आइटम सॉन्ग हो जाता है, इस फिल्म में उस गाने की भी कहानी में एक रिक्वायरमेंट है। अगर वो गाना निकाल दिया जाए तो कहानी अधूरी है। तो सब चीज़ों को, जैसे मोती को एक धागे में पिरोया जाता है तो माला बनती है, वैसे ही इस ट्रेलर को सजाया गया है, और हर किरदार की, हर कहानी के एक एक मोड़ की जो चीज़ें दर्शाई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पिरोया गया है। वैसे कोई ऐसा शॉट कहा है, कोई ऐसा फ्रेम था जो लगता था अगला शॉट भी बहुत बेहतर है और उसको ट्रेलर में शायद जगह नहीं दी इसके पास? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, मुझे जो मेरा एक एंट्री शॉट है वो बहुत पसंद था और वो ट्रेलर में है, तो आई एम हैप्पी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी अपनी एंट्री जब वो शूट हो रही थी। मैं तो ट्रेलर में बीच में बात इनकी काट रहा हूँ कि सिनेमा में इनके ऐसे ऐसे रूप हैं कि ट्रेलर में डालता तो ट्रेलर और खिल के आता, लेकिन मेरी कहानी खुल जाती। ट्रेलर देखने के बाद और सिनेमा देखने के बाद लोगों का इनके बारे में का विजन अलग होगा। मेन तो सिनेमा है, लेकिन जो इन्होंने ट्रेल में किया वो 1% भी नहीं। वो सिनेमा जिस दिन प्रीव्यू होगा उस दिन इंडस्ट्री देखेगी, उस दिन लगेगा अरे साला ये रूप है, उस सिनेमा में पता चलेगा। जी, जब ट्रेलर हम लॉन्च कर रहे थे, आप बता रहे थे अपने बारे में कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डुबाने की कोशिशें लगातार करते हैं, लेकिन हाथ देकर सहारा देकर उठाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, जरा वो बात एक बार फिर से कहीं, क्योंकि कैमरे में माइक के साथ हम ज्यादा बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। देखिए, मैं ये बात पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बात आप लोग पहली बार सुन रहे हो। ये बात फैक्ट है कि मेरे साथ, आई थिंक और भी लोगों के साथ ये चीज़ें होती होंगी, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने इंडस्ट्री में ये बहुत देखा है कि आपके दुश्मन क्यों बन जाते हैं आपको भी पता नहीं होता, लेकिन वो पता रखने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दुश्मन तो डेफिनेटली है ही, सामने साथ ही घूम रहे हैं, उनमें से हमें चुनना वो है जो आपके, मतलब वेट लेट मी जस्ट फिनिश, आपके दोस्त जो हैं, आपने मेरी बात काट दी, उनको आपको अपने साथ रखना है, बिकॉज दुश्मन आपके आपके हर जगह हर मोड़ पर है, लेकिन दोस्त आपके बहुत कम होते हैं।
तो मनोज टाइगर मेरा एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा मेरे उतार चढ़ाव में मेरा हमेशा मनोज ने साथ दिया है. इनफैक्ट एक और मैं मेंशन करना चाहूंगी, दो वो फिल्म का पार्ट नहीं है इस, लेकिन उसने मेरे साथ हमेशा दोस्ती निभाई है. मेरे लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए हैं उसके साथ, उस इंसान के साथ, लेकिन उसने फिर भी मेरे साथ दोस्ती निभाई है, वो है पवन सिंह. तो ये कहीं ना कहीं मैं कैसे मेंशन ना करूं, क्योंकि वो पार्ट नहीं है फिल्म का, ज्यादा मुझे नहीं बात करना चाहिए, लेकिन संभव पवन भी मेरा एक ऐसा ही दोस्त है जिसको मैं कभी भी कुछ भी कहती हूँ वो सुनता है, और फिर भी हम लोग साथ में होते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं तब भी साथ में होते हैं. सेम मेरा मनोज टाइगर के साथ है, मैं खूब खरी खोटी सुनाती हूँ मनोज टाइगर को, ये मुझे सुनाते हैं और फिर हम लोग एक होते हैं. और दोस्त ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि स्माइल देके और आपको बहुत मीठी मीठी बात करके और खंजर लेके तो सभी लोग खड़े हैं. वैसे संभावना जी आप तो बहुत सारे फिल्मों का हिस्सा रही है, ये जो फिल्म है कितनी अलग या फिर कुछ अलग किस्म की फिल्म लगी? तब से जब ट्रेलर देखे मुझे ऐसा लगा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत डिफरेंट लगा ट्रेलर. मैं तो काफी हद तक ऐसा कह सकते हैं ना कि दो मैंने फिल्म में गाना जरूर सिर्फ गाना ही किया है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फिल्म के साथ जुड़ी रही हूँ. ए मनोज टाइगर की फिल्म है, बी इसमें अविनाश है, तो मैं कहीं ना कहीं जुड़ी रही फिल्म के साथ, तो मुझे काफ़ी कुछ हैपनिंग्स पता थी फिल्म के बारे में. बहुत अच्छी, जो मैं सुनती आ रही थी कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छा ग्रेंजर है फिल्म का, उतना ही हमें ट्रेलर में भी दिखाई दिया है. ऐसा नहीं है कि आपने शूटिंग में आपने जो भी मेहनत करी है वो पर्दे पे दिखनी बहुत ज़रूरी है, तो हमने वो ट्रेलर में आज देखा. एंटायर चीज़ें रिवील नहीं की गई, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हमें वाकई जैसे कि मनोज ने बोला कि ऑलरेडी अगर हम लोग सबको रिवील करते तो फिर पब्लिक को इंटरेस्ट क्या रह जाएगा. तो मैं जानती हूँ कि अविनाश ने फिल्म में क्या किया है, लेकिन वो ट्रेलर में चीज़ें नहीं हैं, तो उसके रीजंस हैं कि जब वो सामने आएगा, प्रीव्यू में जब सामने आएगा, हम लोग फिल्म देखेंगे, तो डेफिनेटली अविनाश का इसमें क्या किरदार है और अविनाश ने क्या काम किया है वो हमें फिल्म में पता लगेगा. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. मैं जो जानती हूँ फिल्म में हो चुका है, अब मैं वो ट्रेलर में भी ना देख के मैं फिल्म में देखना चाहूंगी, और यही लोग भी देखना चाहेंगे. मनोज जी जैसा आप बातें कर रहे थे ट्रेलर की बात कर रहे थे, समारोह जी की बात कर रहे थे, अम्रपाली जी की बात कर रहे थे, लेकिन अम्रपाली जी खुद नजर नहीं आ रही है इसी ट्रेलर में, कोई खास वजह? अम्रपाली जी ने बहुत कोशिश की आने की. मैं, अम्रपाली और दिनेश जी, हम तीनों अभी गबरू फिल्म की शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में, और हम तीनों को आना था, लेकिन गाना चल रहा था और उनका सुबह 9 बजे की शिफ्ट में कैमरा 2 बजे रोल हुआ, कैमरा खराब हो गया था. अम्रपाली बहुत टेंशन में है, बार बार फ़ोन कर रही है, लेकिन क्या करेगी, अब किसी का सेट छोड़कर आना भी तो उचित नहीं है, इसीलिए अम्रपाली नहीं आ पाई. वैसे अब फिल्म रिलीज के लिए है, 75 दिन बाकी है फिल्म रिलीज के लिए, तो क्या तैयारियां की जा रही है, कैसे प्रमोट किया जाए, क्या क्या प्रमोशन प्लान से जरा? प्रमोशन हम पहले बिहार रिलीज करें 26 जनवरी को, हमारी टीम जाएगी वहाँ, हम लोग वॉलीबॉल प्रतियोगिता करेंगे जगह जगह गांव गांव में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. लास्ट के 5 दिन में हम पाली जी और संभावना जी आएंगी, कहीं कहीं हम लोग जहाँ बड़ा इवेंट करेंगे वहाँ इन लोगों के हाथ से प्राइज देंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यही जो हम लोग कर सकते हैं, कोशिश है कि हम इसको खूब प्रमोट कर लें सिनेमा. अविनाश जी वैसे रजनिया एक अलग जॉनर की फिल्म थी, एक अलग किस्म की फिल्म थी, बताशा मुझे लगा एकदम अलग किस्म की फिल्म है, आपका किरदार भी शायद एकदम अलग हो सकता है, तो ये स्विच किया कैसे, आसान था मुश्किल था? देखिए मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म सक्सेसफुल इसलिए होती है कि पहली 50% तो फिल्म अच्छी हो और दूसरा 50% वो बॉक्स ऑफिस पे चले, तो ये दोनों ही बहुत मायने रखती चीज़. अगर कोई कहता है कि फिल्म अच्छी है नहीं चली तो क्या हुआ, वो मैं गलत मानता हूँ, दोनों जगह जमना ज़रूरी है. तो जो दूसरा पार्ट है बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चले वो हमें कभी पता नहीं होता, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि फिल्म अच्छी बन रही है और अच्छी है, तो मैं वो पहला पार्ट देख के फिल्म को चूज़ करता हूँ और करता हूँ, और उसके बाद जनता के हाथ में बात है. और अगर दोनों जगह फिल्म अच्छी हो जाए, हमें भी पसंद आई है, जनता को भी पसंद आए, तो वो सोने पे सुहागा है. मुझे ना, मैं अविनाश दुबे का इसलिए फैन हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा अपने परिवर्तन के कगार पर आ गया है, बहुत बड़े सिनेमा, और आप देखिए बड़ी सी बड़ी फिल्में औधे मुँह गिर रही हैं क्योंकि अब लोग वो नहीं देखना चाहते. अविनाश दुबे का मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैंने इनको स्क्रिप्ट सुनाई, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए, ये हीरो है उसको ले लीजिए. मैंने कहा, मुझे मेरे दिमाग में एक ही एक्टर है, लेकिन हो सकता है उस एक्टर के भी दिमाग में हो कि